हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो रोचंदा व्लॉग्स। तो यार आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बाइक की मॉडिफिकेशन के ऊपर है। मतलब कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल करानी है, जैसे मोबाइल होल्डर मुझे इंस्टॉल कराना है और फॉग लाइट इंस्टॉल कराना है, क्योंकि भाई जा रहे हैं अपन केदारनाथ। तो केदारनाथ से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करा दी जाएँ जो नेसेसरी है वहाँ के लिए, क्योंकि मोबाइल होल्डर में भाई लोकेशन देखने के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल होल्डर की ज़रूरत है मुझे। इस वाले मोबाइल होल्डर में भाई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ना मोबाइल गिर जाता है, इस वजह से मैं इस पर इसके भरोसे जा ही नहीं रहा। तो इसको हम चेंज करा रहे हैं, जो हम सिमटेक का अब लगा रहे हैं, हम लोग जो मोबाइल होल्डर है वो सिमटेक का यूज़ कर रहे हैं, और जो फॉग लाइट है वो आउल वाली है SJG की, तो वो इंस्टॉल कराएंगे। तो सुमित भी इंस्टॉल करा रहा है फॉग लाइट, क्योंकि सुमित के पास ऑलरेडी था मोबाइल होल्डर, तो वो मोबाइल होल्डर इंस्टॉल नहीं करा रहा, उसके बदले वो हेडलाइट का एक बल्ब भी इंस्टॉल कराएगा। तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसकी है ड्यूक 250, जिसमें वो इंस्टॉल कराएगा फॉग लाइट, और मेरी है RS 200, जैसे आप सभी को पता ही है। तो इसमें कहाँ इंस्टॉल होती है फॉग लाइट वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। और हम जा रहे हैं अभी भाई मदनगिर मार्केट में, बाइक मार्केट जो आ चुकी है हमारे घर के पास है सबसे ज़्यादा, तो यहीं पर हम लोग आ रहे हैं और यहीं पर मुझे मिलेगा भाई सुमित। तो सुमित आ चुका है यहाँ पर। नहीं, इसी अंदर से आ रहा हूँ। तो इसमें कराएंगे फॉग लाइट इंस्टॉल, और मोबाइल होल्डर इसके पास ऑलरेडी है जिसका क्लैंप लगा हुआ है बट इसने अभी रखा नहीं हुआ। तो चल रहे हैं अभी अलीम भाई की शॉप पे। चलूँ तो अलीम भाई की शॉप पे चल रहे हैं और उनसे कराएंगे इंस्टॉल सारी चीज़ें बाइक में, क्योंकि करोल बाग में भाई पार्ट्स लगाने का सबसे बड़ी दिक्कत है, और यहाँ पर हो रही है भाई 4 दिन से बारिश, जिसकी वजह से कोई काम करा नहीं पा रहे हम लोग। अलीम भाई काम कराना है, इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल कराना है, मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कराना है बैग में, आ जाओ। तो अलीम भाई से इंस्टॉल कराते हैं। तो अभी इसका यार प्रोजेक्टर लाइट है ठीक है वो भी, बट धुंध कोहरे में थोड़ा सा है दिक्कत, तो इस वजह से इंस्टॉल करा लेते हैं फॉग लाइट। तो देखते हैं कहाँ इंस्टॉल करेंगे, और इसमें तो पता है भाई लेग गार्ड में है स्पेस इतना कि यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अपन भी देखते हैं कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इसके, या तो जहाँ पे नंबर प्लेट है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग। तो भाई जो हम सामान लाए थे फॉग लाइट, ये वाली है SJG की आउल वाली, तो ये लेके आए थे, और सिमटेक का मोबाइल होल्डर लेके आए थे, और एक हार्ले का हम स्विच, एक हार्ले का स्विच लेके आए थे जिसका लुक इस टाइप का है वो ऑन ऑफ वगैरह। और आपको आउल वाली लाइट जो है वो मैं दिखाता हूँ कैसी है, पहले फिक्स कराते हैं। और ये रही अपनी बाइक, यहाँ पे फिक्स कराते हैं, और जो अभी पुराना वाला मोबाइल होल्डर था इसको हम निकाल देंगे, निकलवा देंगे और यहीं पे इंस्टॉल करा देंगे मोबाइल होल्डर को। जो हार्ले वाला स्विच है फॉग लाइट के लिए वो है इस साइड इंस्टॉल कराएंगे। तो देखते हैं भाई कैसे करते हैं, अभी तो बाइक खुलेगी थोड़ी सी, आगे का डैशबोर्ड वगैरह खुलेगा शायद, ये वाला पैनल खुलेगा, फिर इसके बाद इंस्टॉल कराते हैं। तो अभी बिट्टू भाई टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर लगाएँगे, तो कहाँ पर बता रहे हो भाई बिट्टू भाई? यहाँ पर पत्ती लगा के लगेगी, तो देखते हैं कैसे लगेगी। अपना टेबल देखो भाई कितना गजब लग रहा है, एकदम साफ। और ये रही सुमित की बाइक, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें भी हेडलाइट वगैरह का बल्ब जो है वो भी चेंज कराना है, और फॉग लाइट लगवानी है इसकी, तो आराम से इस लाइटर पे लग जाएगी, तो दिक्कत नहीं है। अपने में देखते हैं ये ऐसे लगेगी यहाँ पर, तो देखते हैं पत्ती वत्ती भी अभी जुगाड़ करेंगे भाई कहाँ से मिलेगी क्या है, क्योंकि मैं इसका क्लैंप नहीं लाया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था लगेगी कहाँ पर, और ना वहाँ के बंदों को पता था कि इसका जुगाड़ कहाँ पर होगा। तो अलीम भाई कह रहे हैं यहाँ पे लगाएंगे फॉग लाइट हमारी इस वाले स्क्रू पे, जो पत्ती लेके आए हैं ये वाली पत्ती से कराएंगे। तो अभी देखते हैं कैसे कर रहे हैं, अभी तो हैंडल वगैरह सही कर रहे हैं, जहाँ पे स्विच लगेगा अभी, तो यहाँ पे ये वाला हार्ले वाला स्विच लगेगा फॉग लाइट के लिए। पत्ती से जुगाड़ हो रहा है अपना फॉग लाइट का, तो आप देख सकते हो ये फॉग लाइट की पत्ती लगी फॉग लाइट के लिए, और यहाँ पे उसका क्लैंप का फॉग लाइट के, सही है ना, एक्यूरेट आएगी जैसे नंबर प्लेट के साथ, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिटिंग हाँ फिटिंग ठीक है, तो ऐसे दोनों साइड हो जाएंगी अभी पत्तियाँ। तो ये दोनों साइड पत्ती सही लग रही है अब, और भाई अब कर रहे हैं स्विच का इंतजाम जो वहाँ लगानी है हार फॉग लाइट के लिए। तो स्विच का तो जुगाड़ यहाँ पे नहीं हुआ, तो भाई कह रहे हैं यहाँ पे लीवर, ब्रेक लीवर वाले साइड पे कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसी का जुगाड़ कर रहे हैं भाई टेपिंग वगैरह से।
तो यहाँ पे छोटी छोटी बेल्ट यहाँ पे बेल्ट टाइप में लगा दी है। तो स्विच सही लग रहा है यहाँ पे, तो वैसे ऐसे सही लगेगा। तो RS में दिखा रहा हूँ आपको कैसे आप लगा सकते हो फॉग लाइट, अगर आपके पास छोटी है। यहाँ पे इतनी इससे बड़ी भी लग जाएगी ना, यहाँ पे तो आप कितनी भी साइज़ की लग जाएगी आप, तो बड़ी भी आप लगा सकते हो। अगर राहुल वाले से बड़ी भी ले रहे हो साइज़ में फॉग लाइट, तो वो भी लगा सकते हो ऐसे जुगाड़ करके। आपको एक पत्ती लेनी है, ये पत्ती को क्या कहें, स्प्लेंडर की है कुछ, स्प्लेंडर के इंडिकेटर की। तो स्प्लेंडर के इंडिकेटर वाली पत्ती है ये, जिससे जुगाड़ हो रहा है यहाँ पे। देखने में भी सही लग रही है, अपने ब्लैक दिख भी नहीं रही है कि यहाँ पे कोई फॉग लाइट वगैरह है। तो यहाँ पे फॉग लाइट तो इंस्टॉल हो चुका है, अब इसके वायरिंग का काम बचा हुआ है। तो भाई डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं पूरा, ये फ्रंट का पैनल खुल चुका है पूरा, वायरिंग यहाँ से कर रहे हैं भाई, अंदर से ले जा रहे हैं ये वाली वायरिंग डैशबोर्ड के पास से ही। बटन चेक कर रहे हैं जो हार्ले वाला हमने लगवाया है फॉग लाइट के लिए, वो चेक कर रहे हैं भाई। तो सही है भाई, ओके रिपोर्ट है, तो ये एकदम परफेक्ट है भाई। तो वायरिंग का काम थोड़ा सा हो चुका है, लाइट चेक कराता हूँ आपको यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है। अब भाई ऑन करेंगे लाइट तब पता चलेगा। आप देख दो येलो लाइट है, और सामने देखो भाई फोक फोकस सही आ रहा है। अभी तो एक लाइट जल रही है, इसका इतना सही फोकस है, तो दोनों चलेगी अभी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, तो आपको ऑन करके दिखाते हैं। अलीम भाई ऑन करना। तो भाई फॉग लाइट तो ये ऐसी आ रही है लुक, और सामने का फोकस दिखाता हूँ। अभी तो इतना अंधेरा है नहीं, सामने देखते हो आप, अभी रोड में दिखाएंगे आपको कैसी लाइट है। तो अभी सही इंस्टॉल हो गई है फॉग लाइट, आपको नीचे से दिखाता हूँ। सामने भाई आँखों देखा नहीं जा रहा सामने, बट काफ़ी अच्छी लग रही है अब तो, डेवलप ना काफ़ी सही लग रहा है। तो अब इसमें इसका काम तो हो गया, फॉग लाइट इंस्टॉलेशन का काम हो गया है, अब मोबाइल होल्डर का काम बचा हुआ है, तो इसका भी फिक्स कराते हैं। अभी वायरिंग वगैरह तो भाई फिक्स कर देंगे, जब तक मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कराते हैं हम लोग, ये नकली वाला हटाते हैं। तो पहले ही सुमित की बाइक में भी काम चलेगा अब, और सबसे पहले इसके भी फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल करेंगे भाई। और बाइक क्या ख़तरनाक लग रही है इसकी भी, सामने से लुक बड़ा तगड़ा है भाई। ये BS6 मॉडल है, ड्यूक 250, आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। भाई काफ़ी सही लग रहा है, लगा दिया एक मिनट इसमें लगा, आगे से भाई लुक काफ़ी अच्छा है। और सिमटेक का हज़ार लगा रखा है भाई ने भी, और मैंने भी सिमटेक का ही लगा रखा है। तो अभी इसमें काम हो रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करी है। और जो ड्यूक 250 में इंस्टॉल हो रहा है फॉग लाइट, वो स्लाइडर पे इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें इशू नहीं आएगा इंस्टॉल होने में कोई भी, तो यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेम इसके स्लाइडर में ही, क्रैश गार्ड में ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अपनी बाइक का तो पूरा काम हो चुका है, आपको अब रोड पे दिखाऊंगा कि इसका फोकस कैसा है, जो हमने ये इंस्टॉल कराया फॉग लाइट, इसका फोकस मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अभी जो काम हो रहा है वो हो रहा है सुमित की बाइक में, ड्यूक में काम हो रहा है, और फॉग लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हो एक फॉग लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे हेडलाइट इसकी ओपन हो रही है, अभी जो लगा हुआ है इसमें हैलोजन है, तो इसमें LED करवा रहे हैं हम लोग। तो भाई यहाँ चाय आ चुका है भाई, चाय पार्टी दे रहे हैं यहाँ पे, नरेंद्र भाई चाय पार्टी दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हेडलाइट खुल चुका है ये, अब इसमें डलेगा भाई ये वाला बल्ब LED वाला। तो भाई इसकी ओपनिंग कर रहे हैं अब नरेंद्र भाई। तो भाई काफ़ी अच्छी रोशनी है, आपको देखना मुश्किल हो रहा है ऐसी रोशनी आ गई है, और सामने देख सकते हो पूरा उजाला हो गया है। अभी रात में थोड़ा सा फोकस देखेंगे कैसा हो रखा है, बट काफ़ी अच्छा फोकस है, सामने आप देखते हो पूरा क्लियर है इससे। तो भाई ये वाला क्लैंप लग रहा है इसके फ्रेम स्लाइडर में, जिस पे फॉग लाइट अपनी फिक्स होगी। तो भाई हेडलाइट वगैरह हो चुकी है इसकी फिक्स, फॉग लाइट भी हो चुकी है इंस्टॉल, तो आप देख सकते हो। और इधर का फोकस दिखाऊँ तो भाई देख सकते हो आप, उजाला कर रहा है पूरा अंदर तक। भाई बंद करना एक बार, बंद करना। तो भाई देख सकते हो सामने रोशनी पूरी एकदम पड़ रही है, ऑन करना अब, बढ़िया येलो और वाइट दोनों है। तो भाई सामने से अब दिख ही नहीं रही अपनी बाइक, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है सामने फेस पे। तो भाई से पूछते हैं
रोड पे कैसा लग रहा है अभी भाई? कैसा लगा? सही, साफ दिख रहा है सबके रोडों पे हैं। तो हम निकलते हैं और अलीम भाई की शॉप जो है यहाँ पे ऑल इन वन करके है शॉप, उसके सामने नीम का पेड़ है, जस्ट उसके नीचे ही भाई करते हैं। और ये वाली शॉप है स्टड्स वगैरह राइड वगैरह की, RGW, उसके सामने ही भाई करते हैं। तो जिसको भी काम कराना हो बाइक में, स्पोर्ट्स बाइक में कुछ भी काम कराना हो, भाई के पास आ जाना, सारी बाइकों का काम करते हैं।